एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज फिनसॉप ईएमआई पेमेंट से रिलेटेड कुछ बातों पर। जैसे कि अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो आपको कितना ओवरड्यू चार्ज देना पड़ता है, यानी कि बाउंस चार्ज और पेनल चार्जेस क्या होते हैं। इसके अलावा आपको ओवरड्यू ईएमआई की पेमेंट कैसे करनी होती है। इसके साथ साथ कई बार हमारा ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है, तो वो ईएमआई कार्ड किस तरीके से हम अनब्लॉक कर सकते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर जो चीजें हैं, जो बातें हैं जो मेरे हिसाब से जाननी बहुत ही जरूरी हैं, उन बातों को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं, हमने बजाज फिनसॉप ईएमआई कार्ड से एक प्रोडक्ट खरीदा था, एक मोबाइल खरीदा था 16 मई 2023 को। तो 16 मई को हमने प्रोडक्ट खरीदा, तो यहाँ पे हमने जो एडवांस ईएमआई है 2 मंथ की दे दी। यहाँ पे देखिए, ये उसका लोन ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, यानी हमारा एक तरीके से लोन अकाउंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो देखिए, 16 मई को हमने खरीदा, यहाँ पे 6000 ईएमआई हमने एडवांस में पे कर दी 2 मंथ की। अब जो नेक्स्ट ईएमआई हमें देनी है वो मई मंथ में हमने बाई किया, तो हमें यहाँ पे जून में नहीं देनी है, बल्कि हमें 2 जुलाई को इसकी फर्स्ट ईएमआई देनी है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई है वो 3000 हमें यहाँ पे करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें फर्स्ट ईएमआई पे 2 और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एक तो आपका जो कन्वीनियंस फी होता है 117 रुपीस का वो, और नेक्स्ट आपका सिविल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फी होता है, यहां पे देखिए वो 46 रुपीस। तो ये दोनों चार्जेस हमें यहां पे इस 3000 के साथ ही पे करनी होती है। तो यहां पे क्या हुआ कि 2 जुलाई को जो हमारा पेमेंट है वो मिस हो गया। रीजन ये था कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं थे और हमारी ईएमआई यहां पे बाउंस चली गई। बजाज का जो ईएमआई है 2 डेट को ही 10:00 से लेके 2:00 के बीच में आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो उस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका ईएमआई यहां पे बाउंस चला जाता है और आपके ऊपर ईएमआई बाउंस चार्जेस लगाए जाते हैं। देखिए, 2 जुलाई को जैसा कि 3000 मुझे देना था, उसके साथ ये दो चार्जेस, क्योंकि फर्स्ट ईएमआई है तो सभी को पे करने पड़ते हैं, तो ये चार्जेस तो बाउंस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आगे अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप देखिए 32 रुपीज यहां पे लगा हुआ है 9 डेज का, ये है पेनल इंटरेस्ट। जी हां, 3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आपकी ईएमआई मिस होती है, तब से लेके जब तक आप उस ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक। तो यहां पे 2 डेट को मेरी ईएमआई मिस हो गई और हमने अपनी ईएमआई का पेमेंट आने वाले 11 डेट को किया। जी हां, हमने 11 को किया, तो यहां पे 9 डेज हो गए और इस 9 डेज का 3.5% पर मंथ के हिसाब से यहां पे 32 रुपीज पेनल इंटरेस्ट लगा हुआ है। इसके अलावा यहां पे नीचे देखिए बाउंस चार्जेस यहां पे दिया हुआ है, 2 को ही बाउंस चार्जेस लग जा रहे हैं। जी हां, 2 को यहां पे, यहां देखिए 500 का बाउंस चार्ज लग गया है। तो यहां पे पेनल इंटरेस्ट और बाउंस चार्जेस हमारे 500 के लगते हैं अगर हम ईएमआई यहां पे टाइम पे नहीं कर पाते हैं या किसी भी रीजन से हमारी ईएमआई बाउंस चली जाती है। तो आप सामने देख सकते हैं 11 जुलाई को हमने ये अमाउंट पे किया। जी हाँ, हमने ये सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे किया, लेकिन इन्होंने इसकी एंट्री यहाँ पे अलग अलग दिखाई है। तो ओवरऑल अगर आपकी ईएमआई यहाँ पे बाउंस होती है तो आपको 2 तरह के चार्जेज बजाज फिनसॉप को देने पड़ते हैं। जी हाँ, एक तो पेनल इंटरेस्ट और दूसरा यहाँ पे होता है जो ईएमआई बाउंस चार्जेज होते हैं 500 रुपीज। इन दोनों के अलावा आपको अपने बैंक को भी चार्ज देना पड़ता है। जी हाँ, जैसे आपकी ईएमआई बाउंस होती है उसी डेट को आपका बैंक 250 रुपीज और प्लस GST डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से। इसके अलावा आपको अदर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देने पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको अपनी ओवरड्यू ईएमआई का आखिर पेमेंट कैसे करना है और अगर आपकी ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो गई है तो आप किस तरीके से उसको अनब्लॉक करने वाले हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब अपनी ईएमआई मिस की तो मेरी ईएमआई कार्ड यहाँ पे ब्लॉक हो गई इमीडिएटली। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जब मैंने अपनी दो ईएमआई पेमेंट कर दी, जी हाँ, एक तो मेरी जो मिस ईएमआई थी वो, और दूसरी जब मैंने अपनी अगस्त मंथ की ईएमआई पे करी यहाँ पे, तो आफ्टर दैट एक ही महीने बाद मेरा ईएमआई कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनब्लॉक हो गया। तो सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सामने मेरा ईएमआई कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी लिमिट यहाँ पे दिखाई दे रही है 3,12,000, जी हाँ 3,12,000 की यहाँ पे लिमिट है। तो ये ईएमआई कार्ड मेरा यहाँ पे अनब्लॉक हो चुका है। तो आपको अगर अपना ईएमआई कार्ड ब्लॉक से अनब्लॉक कराना है तो बस इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी मिस हुई ईएमआई का रीपेमेंट करें, एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली तो आपका यहाँ पे अनब्लॉक नहीं होगा, बल्कि आप वेट करें एक या दो ईएमआई आगे का, जैसे ही आप रीपे करते हैं या फाइनल जब आप अपना रीपेमेंट पूरा का पूरा कर देते हैं, हो सकता है लास्ट की आपकी ईएमआई चल रही हो, तो वैसे ही आपका कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। ऐसा कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप ईएमआई जब यहाँ पे अपना पे करते हैं आगे एक या दो ईएमआई, तभी आपका कार्ड यहां पे अनब्लॉक होता है। आगे अब चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी ओवरड्यू ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं या अपने अकाउंट का फॉरक्लोजर कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व ऐप के होम पेज पे जब हम आते हैं यहाँ पे सामने, तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए माय रिलेशन का यहाँ पे सेक्शन दिखाई देता है। तो माय रिलेशन में सबसे पहला जो लोन आपका चल रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। देखिए पे नाउ का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, हमने पे नाउ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही हमें एडवांस ईएमआई पे करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फुल पेमेंट करके यहाँ से हम फोरक्लोजर कर सकते हैं अपनी ईएमआई का, साथ ही साथ जो मिस्ड ईएमआई होगी नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से टैप करके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 29,999 रुपीज़ का मैंने यहाँ से फ़ोन लिया हुआ था, और जिसकी यहाँ पे पर मंथ 3,000 की ईएमआई आती है। नेक्स्ट ईएमआई यहाँ पे देखिए 2 नवंबर को हमें यहाँ पे फिल करना है। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 0% है, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे नहीं लगा, यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई पे मैंने फ़ोन लिया हुआ था। अब देखिए, अब आगे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करके एंड साइड में जो आपका दिखाई दे रहा है आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर आपकी ईएमआई यहाँ पे मिस हुई है तो यहाँ पे आपका मिस्ड ईएमआई पे आप क्लिक करते हैं और सामने ये प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस बटन पे आप एक बार क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अभी भी मेरा 50 पैसा जो मेरा पेमेंट नहीं हो पाया था जब मेरी ईएमआई यहाँ पे ड्यू हुई थी ओवरड्यू, तो वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसको पेमेंट करना चाहूँ तो ये पेमेंट यहाँ पे आगे नहीं हो पाता है, जी हाँ ये प्रोसीड नहीं हो पाता है, यानी ये फाइनल जब मैं अपना लोन का अकाउंट यहाँ पे बंद करूँगा तब ये फाइनली पेमेंट यहाँ पे हो पाएगा। तो देखिए आपके कंडीशन में आपका जो भी यहाँ पे ओवरड्यू ईएमआई होगा वो ओवरड्यू ईएमआई आपका यहाँ पे दिखाई देगी, एंड नीचे प्रोसीड पेमेंट का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करते हैं और सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप सबसे आसान तरीका रहेगा यूपीआई के थ्रू आप इसको पेमेंट कर देते हैं, जी हाँ। तो ये इसका तरीका है पेमेंट करने का। तो एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो बजाज की ईएमआई है वो सेकेंड डेट को, यानी हर महीने की 2 तारीख को डिडक्ट होती है 10 बजे के बाद से। तो 10 बजे से पहले आप अपने अकाउंट में हमेशा ही जितनी ईएमआई आपकी डिडक्ट होनी है उतना बैलेंस आप मेंटेन करके रखें। फिर भी बाई चांस अगर नहीं हो पाता है, किसी रीजन से आपकी ईएमआई मिस हो जाती है और आपका कार्ड यहाँ पे अगर ब्लॉक हो जाता है, तो आप अपनी ईएमआई का रीपेमेंट करें एक या दो ईएमआई का, जैसे ही आगे आप रीपेमेंट करते हैं आपका कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।